अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। मिनू जी वेलकम, स्वागत है जी, एनु सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सारे नु सत श्री अकाल जी। हाल चाल ठीक ठाक? हाँ जी। राहुल गांधी उन्होंने संसद दे विच एक भाषण दिता है, उस भाषण दियां कुछ झलकियां तुहाडी जुबानी सुनना चाहांगे, की कहना चाहोगे? देखो राहुल गांधी का जो भाषण है यूट्यूब से कोई भी जाके सुन सकता, 40-45 मिनट का होगा, तो वैसे सुनना चाहिए, सबने सुनना चाहिए ताकि पता लगे कि इस मुल्क दे विच ऑपोजिशन कितने खलोती है, सरकार की करती पई है, तो उस सरकार ने घेराबंदी करने वास्ते मतलब कि विजन किस तरह का है। सो काफी कुछ किया राहुल गांधी ने, हालांकि देखो कुछ चीजा होंदिया ने जिहड़ियां कि नहीं कवर होंदिया, कुछ चीजा ऐसा होंदिया कि जिन्हां दे विच तुसीं भी फसदे हो। फर्ज करो कल इन्होंने जिहड़ी गल कही है पैगासस दी, पैगासस निजता दा सुआ अमन, मैं समझदा कि निजता तां साडी तुसीं खो लई सी जदों आधार कार्ड लैके आए सी उस दिन, मतलब कि निजता पक्खों तां तुसीं सानूं कपड़िआं तों पासे कर दित्ता, एबीसी कर दिता, सारा तुहाडा सी। एक बहुत वड्डे खोजी पत्रकार का दावा यह भी है कि मनमोहन सिंह ते गांधी फैमिली के आधार कार्ड नहीं बने अज तक, इन्होंने नहीं बनवाए, बट जिहड़े विरोध करते उस समय उस टाइम उन्होंने प्रधान सेवक बनदिया वजीर आजम बनदिया इस काम में जोर शोर न फिर कर दिता। खैर कुछ चीजा वधिया भी ने भाषण के जाति तौर पर मैनू अच्छिया लगिया कि उन्होंने जिस तरह कहा कि विदेश नीति के मामले के विदेश नीति के मामले के भाई चाइना जो लगातार खेल गया और पाकिस्तान से चाइना इकट्ठे आ गए तो थोड़ी कूटनीति विदेशी कूटनीति की फेलियर है, ये बहुत बड़ी गल कही उन्होंने अपने भाषण के। फिर दो इंडिया वाला मसला कि इस देश के दो भारत बना दिते और दो एरा भी जिक्र किया अडानी अंबानी वगैरह वगैरह सारा कुछ, मतलब कि इतों तक कि अमित शाह के घर के अंदर की गल भी दसी कि किस तरह मणिपुरी कुछ आगू मिलना आए तो आप से जोड़े पा के तुरै फिरदा सी शाह तो उन्होंने कहना कि बूट ला के आओ करे, ये कहना मांगता है, इतों तक भी गलां कीतिया ने। फिर फैडरल स्ट्रक्चर बारे बहुत जबरदस्त तथात्मक स्पीच कही जा सकती है, खास तौर पर जिदा तमिलनाडु बारे बोले है कि भाई तुम उत्थे जिस तरह का एक विचारधारक मत लैके जा रहे हो देश के हित दे विच नहीं है। मेरे परनाना ने 15 साल कैद कट्टी, मेरी दादी को 32 गोलियां बजिया, मैं आपके प्यो के चीखड़िया का सत्कार किया, इस देश असी की किया वो तुम सानू ना समझाओ, मतलब कि इस तरह के कुछ जज्बाती बोल भी सन। तो कहने का मतलब यह है कि भाई कुछ राज्यों में तुम जो सा मतलब कि उन्होंने दसिया कि नेशन नहीं है, स्टेट नेशन नहीं है, ये साड़ी यूनियन है, बहुत फस जाते भाजपा वाले, बहुत सारे लोगों ने इन्हें चीजों का नहीं पता, ये बहुत बरीकी वाली चीजा होंगे ने। एक तरह ना कह लो कि एक खास मैसेज दिता गया कि कुछ राज्यों के जिस तरह तुम चल रहे हो, और फर्ज करो पंजाब का भी मैं जिक्र कर दिना, जोर दिना कि जिस तरह जदों भी कि मान लो पंजाब की गल आती है खालिस्तानी अतवादी फला आतंका तो कहते कि यह चीजा ठीक नहीं है एकता अखंडता वास्ते, तो यह बहुत वड्डी गल है कि जिस तरह तुम फैडरल स्ट्रक्चर से हमला कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही है काफी कुछ उन्होंने कहा, फिर यह भी नसीहत दी कि फैडरल स्ट्रक्चर में समझो, मैं कह रहा हूं कि इतने कई बंदे फस जाते हैं कि फैडरल स्ट्रक्चर क्योंकि अमेरिका वाला कैनेडा वाला है तो सारे स्ट्रक्चर पर थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, थोड़ा थोड़ा बरीक बरीक फर्क आ जाता है हरेक हिसाब किताब का, जिवें यूएस है कि यूएस के राज वक्त हो सकते हैं पर इतने का जोड़ा बाद माता के रूप च अंबेडकर साहब ने रखा कि कोई भी राज वक्त नहीं हो सकता। सो इस तरह का मतलब कि मॉडल होता, चलो आप उधर नहीं जाते इधर की गल करते हैं कि जो इतने चल रहा बेरोजगारी का मुद्दा चुकया कि भाई 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार कर देते, 3 करोड़ मतलब कि बीमा का की बेरोजगार कर दिता नौजवान
रुजगार देना तक ही सीगा वड्डी गल है। हालांकि मैं चलो कुछ गल्लां दस दित्तियां ने कुछ चीजा चलो रह भी जांदियां जिवें कहा कि भाई देश की अर्थव्यवस्था ते डबल ए वैरियंट वो बड़ा घुमा के कहा गजब का वो जुमला सी उन्हां दा फिर वक् वक् राज्यां दी आवाज दबाई जा रही है उहदा भी एक मायना है बेरोजगारी मुश्किल है पर मेरा हाले भी मेरा ख्याल है चलो हो सकता है क्योंकि थोड़ी कई बार होती है कि तवक्को थोड़ी जी ज्यादा बढ़ जाती है कि यह भी होना चाहिए सी होना तो यही चाहिए सीगा कि देखो इन्होंने अपने बजट के किया कि 400 बंदे मात्रम ट्रेना चलावे मीन कि रेल का प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी हो जा रहा था लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन यदा मतलब यही है कि सारा लैंड रिकॉर्ड जोड़ा है जदों ऐ डाटा सारा आ जाएगा किसानों का डाटा तो प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट प्लेयर बाजार के आने सबसिडिया हले भी खत्म करके फर्टिलाइजर वगैरह सारा सैक्टर इन्होंने हवाले हो जाएगा। यह साडा मनना है आने वाले समय के एक आई डी ली जा रही है जिसे सारिया आई डीज आ रही ने साडिया ऐसी आई डी बन जा रही है मतलब कि जिड़िया गलों का मैं कद कदे च खोल के रखता उन्होंने संसा सब सच हो जा रहे हैं पासपोर्ट वगैरह जो चीजा आप देखने तो इतने एक आई डी आ रही है इंडिया के 27 फरवरी तक पब्लिक डोमेन च आ जाएगा दिन तो काफी आर्टिकल मिलने अखबारों के उस संदर्भ के कोई गल नहीं की गई कि तुम एक पास प्राइवेसी की गल करते एक पास तो बिल्कुल ही बंदे कंट्रोल कर लिया जाएगा सारिया आई डी एक आई डी च मिला दी जाएगा और वह एक्सेस प्राइवेट कंपनिया भी लैनगिया सरकारी संस्थाव भी लैनगिया पर निजे तक इतने बचेगी वो गल कितने भी मतलब के विशेष तौर पर इन्होंने वह जिक्र नहीं किया जरा कि मैं लगता कि होना चाहिए सो चलो जिन्ना भी है ठीक है बहुता समा नहीं मैं लगता तो वधिया भाषण से मैं कुल मिला के कहूंगा कि ठीक ठाक बहुत वधिया राहुल गांधी का वो भाषण से एक बार कह लगता कि संसद अज हिल जाएगी सी जमार 1320 मीटर बैंड से अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन हो 905-813-1320-905-813-1320 और छे हो सकती है कांग्रेस के सीएम फेस की घुंड चुकाई फिलहाल तो दो ही ना ने तीजा कुछ होर भी निकल सकता की कहना चाहोगे मेरी नजर ही नाम है मेरी नजर एक ही है कि सरजीत सिंह चन्नी होगा आम आदमी पार्टी वाला भी तुम्हें दसिया पहला ही दो थावां ते सीट दो थावां ते चोण लड़ाउण दा मकसद साफ है क्लियर है नहीं सर कल एक उत्तराखंड की भी जी सरकार कंपेनर की सूची आई है वह भी चरणजीत सिंह चन्नी इंक्लूड किया गया और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं किया गया जी 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 संकेत होंगे ने संकेत होंगे है और तुसी एक चीज होर देखो कि जिहड़ी ये गल कही गई है किहदे बंदे नूं कही गई है किसे नूं वाचो रैली के थ्रू मतलब कि राहुल गांधी जिहड़े आ सीएम फेस दा ऐलान कर दें कि खुद चन्नी साहब कह रहे हैं खुद चन्नी साहब कह रहे हैं और बहुत तेजी दे नाल जाखड़ साहब की स्टेटमेंट साढ़े इतने के खेतरी चैनल चला रहे हैं जिहदे च वह कह रहे हैं कि 42 विधायक मेरे नाल सन हिंदू करके मैनू मतलब कि पिछाड़िया गया हर चीज कह रहे हैं कि चन्नी नूं मौका मिलना चाहिए दोबारा और सुनील जाखड़ तुसीं दो चेहरियां दी गल कीती है फोटो तीन लगदियां ने थोड़े वच फोटो हुंदी है सुनील जाखड़ दी जी जी वह हिंदू कम्युनिटी नूं रिप्रजेंट करते हैं कांग्रेस की लीडरशिप के लिहाज नाल पर तीसरा चेहरा जिहड़ा मजबूत थम आ हारा ही उहनूं लैके बह गईआं अदरवाइज ते बहुत अगे दो तां कौमी पत्तर दा नेता बन सकता सीगा तो की कह रहा कहता कि चन्नी नूं एक होर मौका दे एक गेड़ा होर गिद्दे विच एक गेड़ा होर जिदा गाणा सीगा ना तां एक मौका बई चन्नी नूं होर दे दिओ सो संकेत साफ तौर ते स्पष्ट है और दूजी गल आ कि सिद्धू की मैं जिवें कहा कि सिद्धू की समस्या कई कई तरह की है एक तुसीं इह देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट च उहदा केस निकल आया सुप्रीम कोर्ट च रोड रेज चीजा देखो जोड़ के रोड रेज का ना केस निकल आया वह अज ही सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट ते जदों इस तरह का मामला निकलता सर थोड़ी परिस्थिति वैसे ही मानसिक तौर पर बड़ी कमजोर हो जाती तुसी को वेले हर मुहाज से नहीं लड़ पाओगे उधर मजीठिया से निकलता है ना उधरों भैन जी जे उन्होंने भी एक वक्त पा दिता सो यह सारिया चीजा ने
कि संकेत तो यो आ कि चन्नी ही सिया फेस होएगा, मेरा भी मनना यो आ, हो सकता भाई मैं गलत साबित होगा, पर मैनू तो जो लगता जो हालात ने कि चन्नी नू ही जाके क्योंकि कौमी पद्धर से उसका फायदा है जी। लो जी आप अगली कॉल तो चलते हैं। हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल मिंटू जी, हम दिलबाग जी, सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल, हाँ मिंटू जी मैं तो थोड़ा जा तुसी गैस ज्यादा तुसी ओते बिलीव नहीं करते, चलो आप रल मिल के गैस करना चाहना मैं कि जिहड़ा पंजाब दे विच इलैक्शन जिहड़े सारे नूं पता हैगे ने होने भी आ, एक ते मेन मुद्दा ओहदा की आ कि पंजाब एक तां पंजाब दा मुद्दा आ पाणियां दा चंडीगढ़ दा जां होर आपां वड्डे मुद्दे फाइनैंशियल लै लो, एक तां इह आ एक गलियां मल्लियां दे मुद्दे ने, एक आ लोकां नूं जिहड़ी वंड मंडाई हो रही आ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਟਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 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 ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਵਿਦਨ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਦਨ ਡਾਟਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਚਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਤਿੰਨ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਤਿੰਨ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਕੀਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
देखो गल की है कि ये सब नू पता है कि जे अज एक क्योंकि किसान धिर आप राजनीति कैसा है कि जे असी ज्यादा किसी नू चकांगे ना कल साडे बंदे जाणगे तां फिर दूसरिया पार्टियां वाले भी घेरणगे बिलकुल झंडे डंडे कोई भी हो सकते सो इस करके हुण चोण खड़ा खुल्या ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा इतने नी फौजी दस्ते आ इतने काम नहीं चलना कि तुसी किसी नू घरों नहीं निकल दोगे दूसरी गल जे कोई प्रोग्राम बनिया भी क्योंकि 8 तरीक तक कोविड दी पाबंदियां ने अज कीतियां ने शायद उदो हटा लेंगे उसके बाद शायद कोई रैली भी देखने को मिल जाए विरोध करने वाले उस तरीके विरोध करे तो विरोध का जिहड़ा है वह असर हो दूसरिया का जिहड़ा है विघन ना पवे ना हो उत्थे जाके फिर कोई इहो जिहा कोई तुसीं रौला रप्पा पै जाए तो सीधा ही राष्ट्रपति को जाके तो राष्ट्रपति राज लगन तक की नौबत आ जाए भावें कि यह क्या सराइया होंदिया ने इस तरह दल्लां बातें उठदिया ने पर यह होना नहीं चाहिए कि तुम विरोध करो जो फंडामेंट राइट आ पर अगले का जो फंडामेंट राइट आदिया धज्जिया भी ना तो जोड़ा खैर 905-813-1320-908-813-1313-2020 अगला सवाल करना हो कर सकते हो। भाजपा ने बंगाल वाली रणनीति अपना ली है की कहना चाहोगे? देखो भाजपा की जी रणनीति सी बंगाल के इन्होंने एक एक विधानसभा हल्के से एक देश का एक एक अपना मैंबर पार्लीमेंट ला दिता अयो कुछ है जोड़ा पंजाब के भी देखने मिल रहा इन्हों की हिकमत अमली कुछ इस किस्म की है कि इन्होंने 14 MPs जोड़े आ उन्होंने हिंदू वसों वाली जी जी भी जगह है उसे तैनात कर दिता है मतलब कि 14 MPs लग गए ने मेरी सूचना के मुताबिक 34 MPs काम कर रहे हैं इस टाइम तो 34 MPs इस तो इलावा जो होंगे वो भी आने वाले दिनों के लग जाएंगे तो जिथे जिथे हिंदू वोट ज्यादा है एक दिन मैं तुम्हें सीटा भी गिन के दसिया जिम्मे कंडक्टर नहीं दसते आ जी कालचरानी नंदगढ़ कोई दाखला बाबाई मंडी है साढ़े इधर मलोट मुसरकोट कोटकपुरा फरीदकोट मोगा धर्मकोट शाहकोट जलंधर इदा गिण के दसे थे तो कहते मतलब कि जिदा कंडक्टर बोलते हैं उस तरह तुम सीटा गिण के दसिया तो उन्होंने एरिया जिथे मतलब के सारा कुछ जोड़ा वो कितने ना कि भारी हों हिंदू वोट करके बदलता है हिंदू वोट करके कि उन्हों एरिया टारगेट किया जा रहा और यह आप शायद पहला ही क्या ला के बैठे सी एक तो है कि देखो भाजपा की जी मेन कोशिश रहेगी वो रहेगी कि एक तो जोड़ा शहरी सिख वोटर आनू भी नाल असी किसी तरीके जोड़िए तो वास्ते इन्होंने सिख फेर जोड़े आ अगे किए हुए हैं तवज्जो दी जा रही है विशेष तौर पर सैकेंड चीज ये आ कि चाहे पोलराइजेशन के थ्रू तो चाहे अपनी जो मोदी साहब की छवि है थ्रू असी जी हिंदू इलाकों की वोट आ हिंदू इलाकों तो भाग के जिते उन्होंने वोट वधेरे इलाकों के परचम फहरा दीजिए। सो बंगाल के मॉडल कुछ हद तक काम तो किया मतलब कि हाजरी तो बहुत जबरदस्त दर्ज करवाई इन्होंने कामरेडा पछाड़ लिया उसे बहुत कुछ होया परंतु जित उ नहीं सी मिली तो बंगाल वर्गा ही समीकरण मेरे ख्याल के नाल इत्थे रहेगा। हाँ इलेक्शन तो बाद की होंगे खुदा जाने जी। वेलकम जी जी आयां नूं स्वागत है सत श्री अकाल वीर सत श्री अकाल दोनों नूं जी जी अपने जी मैनू भी सवाल सीगा वीरे जिवें हुण इह तिन जां चार पार्टियां जिहड़ियां भी अपने चोणां दे विच हैगियां इहनां दे चोण मैनीफेस्टो 99% झूठ हुंदे आ जे पिछले देखिया जावे ना इह कदे पूरे करदे आगे चाहे नौकरियां दे चाहे सिलेंडरां दे कुछ भी है कि इन्हां नूं कोई कोर्ट दे विचों जां कोई होर कानून तो इन्हां नूं कोई डर नहीं लगता इन्ने इन्ने झूठ बोल के अपना एक इलेक्शन जित जांदे हैगे इह जी मेहरबानी थैंक यू। नहीं सर इहदे च की है कि कोई कानूनन कुछ इस तरह नहीं है कुछ पार्टियां जिहड़ियां उहदे च अकाली दल भी शामिल आ उह कह रहे ने कि भाई जिहड़ा इह मैनीफेस्टो उहनूं लीगलाइज कर दित्ता जावे कानूनी दर्जा दे दित्ता जावे तां जो
मुकरन वाली पार्टी से कोई कार्रवाई होगी, पर उसके वास्ते देखो ऐ नहीं होंदा कि तुहानूं कानून बनाने पैंदे ने, कानून पास करवाने पैंदे ने, फिर चोन कमीशन अपने पद्धर से कानून नहीं बना सकता। मैं इंटरस्टिंग चीज दस रहा तुहानूं, इह विधि विधान है जिहड़ा इत्थों दा संविधानक तौर पर, कि चोन कमीशन अपने तौर पर कोई कानून नहीं बना सकता। कानून कहना बनाना, कानून बनाना सदन ने, यह सदन के जाते चीज पास हो कि मैनीफेस्टो अपना कोई भी लिखती वायदा जो करते हो, जो तुम कोई कुटाई करते हो या तुम तो भजने हो तो कानूनी कार्रवाई, मतलब कि तुम्हारी पार्टी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकती या तो जो इलेक्टोरल सिंबल है वनू जब्त कर लिया जाएगा वगैरह वगैरह। वो तो अपनी चलो एक कल्पना कल्पनाशील गल है कि आ कार्रवाई की जा सकती है, तो वो कम है जो सदन जो तक नहीं करेगा। तो मैनीफेस्टो छो, मैं तो अगे एक दिन दसिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम की भी बिलास संविधान च नहीं दर्ज है, और होर सुन बजट बजट ना का शब्द भी साढ़े संविधान का हिस्सा नहीं। अच्छा, भगवंत मान उन्होंने भी नवजोत सिद्धू ते निशाना साध्या है। नवजोत सिद्धू, हाँ जी, की कहना चाहोगे? मेरे को पक्के डेरा में बटे लगते भगवंत मान ही बोलिया कर दे अक्सर, तो मतलब यह कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो कुछ हो रहा है कितने ना कितने नवजोत सिंह सिद्धू भी है पूरा मेन लीड दे विच है। तो खैर देखो गल की है कि भगवंत मान ने जो बोलिया वो निजी है, और निजी मेरे ख्याल के नाल कुछ इना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भाई जरा आपका मां प्यो नहीं सामभ सकता पंजाब की सभा को, हूं हाई गल अगो सिद्धू मोड़ के कह देंगे। तुम्हें पता ना कि भगवंत मान की भी सैपरेशन है, भगवंत मान की भी अपने टब्बर नाल सैपरेशन नजर नहीं जा रहा। कि जे अगों ये गल कही जाएगी, मैं एक बार सवाल भी किया कि मैं आख्या कि मेरा परसनल मैटर है, मैं कोई ज्यादा खुल के नहीं कर सकता, कोई मुद्दा सीगा तो उस मसले से मान साहब बोर्ड के आए सन सीसीपी के कोई सवाल किया तो मैं क्या मेरा परसनल मैटर है, तो मैं मुड़ के कोई गल नहीं की गई। मैं क्या ठीक है जी, तो परसनल मैटर गल कर आजादी है जी तक आती, तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो पहली गल तो यह उस दिन भी आप गल की कि कोई रिश्तों किस तरह निभा रहा वो छड़ देना चाहिए, कोई रिश्तों की कदर कर रहा कोई बेकदरी कर रहा वा ओदा निजी मसला, ओदी राजनीति दे विच की ओदा मतलब कि विजन आ की रोल आ। राजनीति च भगवंत मान साहब का रोल देखना चाहिए ना, कि ठीक है कई बार की होंगे कि मैं बड़े 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 बंदे वेखे, मैं स्टोरिया भी पढ़िया ने राष्ट्रपति जेडे बने वो घरों घर दिया तो तंग सर घर दिया कपत्तियां मिल गई, एक विज्ञानक सी उन्होंने भी घर की मतलब कि कपत्ती पर उन्हें बहुत प्यार की कर सरी कहना भी यह ना होंगे भी शायद मैं इतों तक ना पहुंचता। सो गल यह कि कोई भी बंदा दुनिया संसार प्रसिद्ध बंदा चक लो, रिश्तों से कई बार कुड़त्तन आ जाती है, कई बार रिश्तों के कई हो जाती कमी भी रह जाती है, पर साढ़े को कहना सारी जिंदगी सारे रिश्ते निभा होंगे, बड़िया असं बेवफाई करते हैं, बड़िया असं टुटते हैं, बड़े सानू छड़ के चले जाते हैं जिन्हों की गल होती है समय की गल होती है। सो मैं अच्कल से कोई बहुता नहीं, बिल्कुल इंसानी फितरत आ जी बंदा तौर पर नहीं तुम हाँ जी व्यक्तिगत तौर पर छो, तुम नीतिगत तौर पर बहस करो तो वधिया, बिल्कुल मुद्दे की गल करो मैं उन्होंने आ कर दू उन्होंने आ कर दू कि देश पंजाब नू भारत नू जिहड़े सूबियां दे चुनाव हो रही ने उस तरक्की वाले पासे किवें लैके जाना, खास तौर पर पंजाब दे लीडर जिहड़े ने इन्हां नू इह बड़ा सोचना पवेगा। चलो केजरीवाल साहब ने बयान दिता कि असीं इहो जिहा सिस्टम लावांगे कि विदेशां गए नौजवान जिहड़े वापस आ जाणगे, आइलैंड ते तुसीं उत्थे तुहाडियां जिहड़ियां पंजाब दियां यूनिवर्सिटीआं जिहड़ियां खाली पईआं ने जिहदा सीटां नहीं सी मिलदियां उत्थे तां हुण कबूतर वसेरा करके बैठे होए ने, नौजवान अद्धा क नशा ने खा लिया ड्रग ने खा लिया अद्धा कोदा सड़कां तों तरह फिरदा जॉबां नहीं मिलदियां, उवें कहिंदे कि कुंडी फस जावे तां अहीं कई तरीके नाल बाहर किसे मुल्क भी निकल जाइए, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁੜ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਸ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਦੇ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੇ 'ਚ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 94 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ। ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ 6 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੇ ਪੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੱਖ ਨੀ ਹੈਗਾ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਇੱਧਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਖੇਡੀ? 3 ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਉਤਰੇ ਸਨ ਮੈਦਾਨ ਚ, ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਿੱਕੀ। 3 ਸਿੱਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਮਾਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਕਾਲਰ ਦੀ, ਹੋਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਤੜਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਦਿੰਦੀ, ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪਰੋਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਲੋ, ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਰੋਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।